बिटकॉइन ने 40,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है और अब 44,000 से भी ऊपर चल रहा है राइट नाउ प्राइस तो क्या ये ऑल टाइम हाई लगाने जा रहा है या फिर प्राइस यहां से नीचे जा सकता है फॉल्स ब्रेकआउट है ट्रैप है लेट्स फाइंड आउट हैलो व्हाट्सअप मैपी कैसे हो आप लोग <laughs> चांदी चांदी हो गई है आज तो लेट्स सी क्या हो रहा है बिटकॉइन अभी 45,000 44,500 ऑलमोस्ट चल रहा है प्राइस एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो नेगेटिव चीजें हैं टेक्निकल में सब पॉजिटिव है लेकिन फंडामेंटल्स में कुछ चीजें हैं जो अभी भी मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है उस पर आता हूँ लेकिन टेक्निकल की पॉजिटिव चीजें तो देख ले पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है और विग भी बना रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग

मोमेंटम स्लोली इंक्रीज कर रहा है डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं लॉक स्केल में एक चीज है कि यहाँ पे ना हम एक डायवर्जेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे मैगडी में जो बनी नहीं बनी क्यों नहीं क्योंकि यहाँ पे इसका लास्ट क्लोजिंग था उससे ऊपर ही क्लोज हुआ उससे नीचे क्लोज नहीं हुआ और मैगडी भी ऊपर ही है तो डायवर्जेंस नहीं बनी लेकिन फिर भी सारी चीजें अगर देखे तो पॉजिटिव साइन है ठीक है मोटा मोटा देखते हैं अपन हर चीज जो मांगो वो तो नहीं मिलती ना ये एक पॉजिटिव साइन है इसको आप पॉजिटिव साइन ही कंसिडर करो और स्टोकेस्टिक में हिडन बुलिश डायवर्जेंस बनी है और नॉर्मल भी बुलिश डायवर्जेंस बनी है ये थोड़े दिन पहले

फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन थाउजेंड की जो रेंज है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है इससे अगर ऊपर क्लोज होता है डेली बेसिस पे तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन रिक्वायरमेंट यही है कि यहाँ पे जब ऊपर जा रहा हो तब थोड़ा वॉल्यूम दिख जाए और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हो रही है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ये डब्ल्यू पैटर्न जो कि है ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर्टी फोर्स फाइव हंड्रेड से फोर्टी सिक्स थाउजेंड पे इसकी नेकलाइन है डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे दो बॉटम्स बने हैं एक ये वाला और एक ये वाला और इसका जो मिनिमम टारगेट निकल के आता है वो आता है ऊपर की तरफ फिफ्टी थ्री थाउजेंड के आसपास मिनिमम टारगेट और जो मैक्सिमम टारगेट अगर मैं देखू तो वो आता है ऑलमोस्ट दिल थाम के बैठी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज के आसपास रूपीज बोल रहा हूँ डॉलर के आसपास सिक्सटी थाउजेंड डॉलर के आसपास जा सकता है बिल्कुल जा सकता है चांसेस हैं लेकिन 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 हमेशा लेकिन होता है ना तो लेकिन ये है कि फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और उसमें कुछ चीजें हैं जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो बताता हूँ उससे पहले एक वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक और चीज बता देता हूं जो देखना बहुत जरूरी है अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रेंड लाइन चल रही थी इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ ये क्या चीज है ये हमारा फ्लू डंप है ट्वेंटी का तो इस चीज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ लेकिन उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ही ट्रेड कर रहा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको मिलने जाएगा और वहीं पे हमारा ट्वेंटी लेवल था जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसको मिलने तक नहीं गया है तो एक ये चीज है जो मैं चाहता हूं कि इसको मिलने जाए भाई साहब हमारे बिटकॉइन देवता लेकिन इसको मिलने नहीं जा रहे तो अगर ये वहां चला जाता तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता इसको ज्यादा क्वांटिटी में बाय करने के लिए अभी मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूं और उसके दो हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो देख रहा हूं मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एक मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्योंकि अगर आप इस ब्लू वाले को देखो ये वाला हमारा ब्लू पर्पल जो भी आप कहना चाहो इसको ये है हमारा एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो इसका मतलब यह है कि जो लोग मार्जिन पे खेलते हैं ना, मार्जिन पे बाइंग करते हैं जिनके पास खुद के पास इतना पैसा नहीं होता और वो ब्रोकर से पैसा लेके ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं मतलब सपोज आपके पास एक हजार है तो आप दस तो जो वो होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है और और बड़े प्लेयर्स हमेशा चाहते हैं कि वो पोजिशन सबसे पहले क्लोज करा दे वो क्लोज कैसे होंगी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा दोनों में से एक चीज हिट होगी तो उनका फायदा है आपका नुकसान है ऑब्वियसली लेकिन ये होता आया है हमेशा से और अभी भी होता रहेगा उसका कुछ नहीं

मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और आपको अभी भी बता देता हूँ तो और तो बहुत, बहुत, बहुत दूसरी चीज ये ओपन इंटरेस्ट में देखू तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा है हालांकि काफी अच्छा करेक्शन आया ओपन इंटरेस्ट में लास्ट जो हाई था उधर से काफी नीचे आता गया है ओपन इंटरेस्ट लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं

भी है तो अगर फंडामेंटल मैं देखूं तो बहुत सारी चीजें हैं जो कॉशियस रहने को मुझे बोल रही है अगर टेक्निकल एनालिसिस ही देखू तो हाँ सारी चीजें ट्वेंटी तो चला जाता है तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा या अगर सिक्सटी के क्रॉस कर लेता है Bitcoin, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इसके बीच का जो गेम हो रहा है ना ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा फंडामेंटल एनालिसिस के परस्पेक्टिव से ऑल राइट आज के लिए इतना you